रोज जंक फूड खाता था और उसके मम्मी पापा उसको बहुत समझाते थे लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानता था और वो हमेशा बाहर का खाना खाता था। एक दिन उसके मम्मी पापा उसकी टीचर से मिलने गए और उनको बताया कि राजू घर का खाना नहीं खाता, वो सिर्फ बाहर का खाना खाता है। तो उसकी टीचर ने कहा वो खेल कूद में भी बच्चों से बहुत पीछे रहता है। तो टीचर ने टीचर को एक आइडिया आया और अगले दिन राजू का जन्मदिन था तो उसने पेट भरकर चिप्स और बाकी चीज़ें खाई और उसकी टीचर ने उसको एक पौधा दिया और राजू से कहा कि तुम इस पौधे का ध्यान रखोगे। तो राजू को वो पौधा बहुत पसंद आ गया तो उसने बोला कि हाँ टीचर मैं इस पौधे का ध्यान रखूँगा। तो अगले दिन राजू ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे इस पौधे में डालने के लिए पानी दो। तो उसकी मम्मी ने कहा कि इस पौधे में पानी नहीं तुम कोल्ड ड्रिंक डालो तभी ये बड़ा हो जाएगा, तुम भी पीते हो तो पौधा भी पिएगा। तो फिर उसने वो रोज़ पौधे को कोल्ड ड्रिंक देने लग गया, फिर उसका पौधा मुरझा गया। फिर वो अपने पापा के पास गया और बोला कि मेरा पौधा मुरझा गया है, मैं उसको रोज पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक देता हूँ। तो उसके पापा ने कहा कि हमें तो इसमें खाद डालनी होगी। फिर राजू ने कहा कि खाद कहाँ से मिलेगी। तो पापा ने कहा कि तुम खाद की जगह उसमें चिप्स डाल दो तो वो पौधा वापस से उग जाएगा। फिर वो रोज पौधे में चिप्स डालने लग गया, फिर उसका पौधा और मुरझा गया। एक दिन वो अपने कमरे में बैठकर यही सोच रहा था कि उसका पौधा क्यों मुरझा गया। तभी उसके मम्मी पापा आए और उनसे कहा कि जैसे कि तुम जंक फूड खाते हो तो तुम्हारा पौधा भी तो खाता है, वो परेशान हो गया है तुम्हारे बॉडी में, वो जंक करने लगता है और पौधे के लिए भी वो अच्छा नहीं है। तो उसने प्रॉमिस किया कि वो अब से घर का खाना खाएगा और बाहर का खाना